चौरी चौरा विधानसभा के जगह थाना क्षेत्र के आदित्य पब्लिक स्कूल में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत खाद्यान्न किट का वितरण किया। गौरतलब है कि लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जगह में बनाए गए हेलीपैड पे उतरा तथा वहां मुख्यमंत्री योगी कार द्वारा सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथ से 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, तेल, मसाला सहित अन्य सामग्री का किट के माध्यम से वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण 15 जनपद बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें जनपद के 300 गांव शामिल हैं, जिसमें 2 लाख घर बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ से पहले किए गए तैयारियों से जनहानि को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आपदा की वजह से हर प्रकार के उपाय व संसाधन कम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों में इस तरह का बाढ़ जनपद में नहीं आया था तथा इससे पहले सभी ने 1991 व 1998 की बाढ़ देखा है। उन्होंने कहा, बाढ़ पीड़ितों के सेवा के लिए सांसद विधायक अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी बंधों की मरम्मत का काम और तटबंधों की मजबूती के लिए उपाय किए गए थे। उन्होंने कहा कि अकेले चौरी चौरा विधानसभा में सिंचाई विभाग की 18 करोड़ की परियोजनाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए NDRF व नाव की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में चौरी चौरा विधायक संगीता यादव ने बताया कि शुक्रवार को 1700 खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया गया तथा शनिवार को मुख्यमंत्री योगी की देखरेख में 170 पैकेट का वितरण किया गया है तथा कुल 2000 पैकेट का वितरण होना है। उन्होंने कहा कि लेखपाल व ग्राम प्रधान के माध्यम से हर एक व्यक्ति का सूची बनाकर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, ब्लॉक प्रमुख ईश्वर जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद जायसवाल और चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव ने कहा, अब तनिए बाबा कमांडो लग गए ना चक्के। लेकिन वो फिर चारा बनवाए तो कहाँ बताओ तुम यार? सफारी लग गए, सफारी लग गई हम। आज इस चौरी चौरा विधानसभा में हम सभी के बीच यह कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, पूज्य महाराज 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 जिंदाबाद। हिंदुओं के आस्था के प्रतीक, हम सभी के अभिभावक, पूज्य महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन हम सभी के समक्ष हुआ है। मैं आपका हेलो जी 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 महाराज जी का भैया उनको आने दोगे तभी सामान वगैरह लेके आओ।
और सामान क्या है? मोबाइल थोड़ा पीछे कैसे लेंगे इसको? महाराज जी सामने खा लेंगे। ये भी है, कैसे जाएगा? और पहुँचो, चलो ये भी है। अब दूसरा व्यक्ति लाओ, आप दूसरा व्यक्ति है, पकड़ो इसको, खा लेंगे। हाँ जब पहुँचाओ एक आदमी, ये भी उन्हीं के साथ है ना, ये भी उन्हीं का है, सबको दो, एक अब उनको दो, पकड़े इसको। ये बरसाती भी है, ये भी है, ये भी है और आलू भी होगा, चले पकड़िए, ये भी है, वो भी है, ठीक है, और आलू भी है पीछे, ठीक है, पहुँचाओ जी इनको वहाँ घर तक पहुँचाने की व्यवस्था किया है। एक मिनट पहले कैसे है भाई, कैसे लेके जाएगी पीछे? आती है ये, कहाँ आती है? यही कहीं बात है, उनको बुलवा देना चाहिए था ना, ले जाएगा ना। बस ये सामान है, इधर आओ, एक तो ये है, ये भी है, ये भी है, और आलू भी है। आलू वाला पूरा कहाँ जी? थोड़ा पीछे होइए मैडम, पीछे। आलू वाला, आलू वाला ये, आलू वाला भी इधर आके जाओ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भाई अब इनका दिया जी। ये एक है, दे करके हट जाइए तुरंत। अच्छा ये भी लाओ, ये भी है, ये भी है। आलू कहाँ इनका जी? नहीं नहीं मारा मारा घर। अब आइए भाई, इधर आ जाओ, उठा देगी है? एक तो ये है, दूसरा ये है, ये भी है, कैसे लेके जाएगी? लड़का है, एक तो ये है, ये भी है, ये भी आगे सर, ये भी है, ये भी है, आगे से, आगे से आप सड़ जाइए, उठा देंगे, ये भी है, हाथ में दे करके आप पीछे हो जाएगा, थोड़ा फोटो बढ़िया बन जाए। सभी सामग्री है, आलू भी है, चौंधे के जाओ, चलिए चलिए, बाकी हो गया ना, बाकी लोगों के जगह चलिए। पिछले 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल में भारी बारिश के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 15 जनपद बाढ़ की चपेट में हैं। उसमें गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव के लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सबके बावजूद ये आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती नदी के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहाँ पर नहीं थी। हम लोगों ने इससे पहले 1991 और 1998 की बाढ़ को भी देखा है और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था, जब तटबंध यहाँ पे टूटा था तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था, लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था,
जो इस बार देख रहे हैं, मैं कल बहराइच में था, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय सांसद जी, विधायक जी, यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन मिलकर के बचाव और राहत के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इससे पहले भी पूरा प्रयास किया गया था, तटबंधों की मरम्मत का कार्य है, कटान अवरोधक जो भी उपाय किए जा सकते थे वे सभी उपाय यहाँ पर किए गए। और अकेले इस विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ की सिंचाई विभाग की परियोजनाएं या तो पूरी भी हैं या फिर उनको वर्तमान में प्रगति पर हैं। समय पर यहाँ पर नौकाओं की व्यवस्था करते हुए एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। लगभग 15 राजस्व गांव यहाँ पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूँ। मैंने इससे पहले प्रशासन की एक बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है और राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि इस आपदा के समय कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। कल भी यहाँ पर मुझे बताया गया है कि लगभग 1.5 से 2 हजार लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, पीएस लाई, बरसाती लाई, भुजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी प्रयास किए गए हैं कि बरसात के समय जिन गांवों में पानी आ चुका है वहां पर तमाम प्रकार से ऐसी बीमारियां, डायरिया का, हैजा का खतरा रहता है क्योंकि लोग उसी पानी को पीते हैं। इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की गोलियां उन गांवों में वितरित करने की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि लोग पानी गर्म करके, उबाल करके, जब ठंडा हो जाए तो उसी पानी का सेवन करें, जहां तहां का पानी न पिए। बरसात के, बाढ़ के कारण जगह जगह पानी होने के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जंगली जानवर, आवारा कुत्तों से भी भय होता है काटने का। पहले से उसके इंजेक्शन भेज दिए गए, एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। डायरिया की शिकायत पे ओआरएस के पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर पेट झड़ने की शिकायत आती है, खराब होने की शिकायत आती है और बार बार इस प्रकार की स्थिति आती है तो ओआरएस का घोल पी सके, जिससे उसका जीवन सुरक्षित रह सके। बाढ़ के बाद के लिए भी अभी से सरकार उपाय प्रारंभ कर रही है। कल से एक विशेष अभियान चल रहा है और वह है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग का, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार की बीमारी से, जल जनित बीमारी हो, विषाणु जनित बीमारी हो, उनसे पीड़ित है, उन सभी लोगों को चिन्हित करके दवा उपलब्ध कराना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, गांव में छिड़काव की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं जिससे बीमारी को समय रहते नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर
कल से एक विशेष अभियान और एक एक सीनियर अधिकारी हर एक जनपद के लिए तैनात किए जा रहे हैं, जो अपने जनपदों में इसकी समीक्षा करेंगे और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर हर गांव हर घर तक पहुंचा सकें। सरकार ने पहले से प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध कराई है। यह अपेक्षा की है कि हर पीड़ित परिवार को राहत मिले, पर्याप्त मात्रा में राशन की सुविधा उपलब्ध हो, खाद्यान्न उपलब्ध हो, जो लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भोजन के पैकेट उपलब्ध हो। किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उस पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपये मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए उपलब्ध करवाए जाए। कच्चा मकान है तो उसकी अलग राशि है। नदी की धारा में अगर मकान आ गया है तो उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। जन हानि पर किसी की दुखद मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4,00,000 रुपये की राशि उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा की चपेट में दुखद मृत्यु होती है, किसान हो, किसान के परिवार का सदस्य हो या बटाईदार हो, उन सभी को भी 5,00,000 रुपये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं। सांप के काटने से, जंगली जानवर के काटने से किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसे भी तत्काल 4,00,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि किसी का कोई पालतू पशु, किसी भी पशुपालक का अगर बाढ़ की चपेट में, आपदा की चपेट में आता है तो उन्हें भी तत्काल अहेतुक सहायता उपलब्ध करवाएं। प्रशासन को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि अभी से सर्वे कर लें फसलों की भी, किसानों की कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उस फसल का मुआवजा उन सभी लोगों को समय से उपलब्ध हो सके अभी से सर्वे करके, और फिर उन लोगों के अकाउंट आदि की जांच करवा करके जिससे उनके खाते में उनके फसल के नुकसान की मुआवजा की राशि भी उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए आज मैं स्वयं भी इस चोरी चोरा क्षेत्र में, इस बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिए आया हूं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। हमारे सांसद जी भी और विधायक जी भी यहां पर मौजूद हैं, वे यहां पर निरंतर निगरानी कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और प्रशासन ने भी जिस युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके प्रयास हो कि अगले 3-4 दिन के अंदर हर एक परिवार तक राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए और बचाव के, और इसके बाद बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही बीमारी आदि के प्रकोप से भी बचाव की अभी से व्यवस्था हो सके, यही मुझे आप सब के प्रति कहना था। धन्यवाद। जो उपस्थित थे लोग, उन लोगों को सीमित ढंग से दिया गया है, लेकिन सभी लोग के लिए महाराज जी ने आदेश कर दिया है कि सभी लोग को जनप्रतिनिधि और जो संसेविक संस्थाएं हैं वो पहुंचाएं घर घर, जो भी चाहे जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए क्या, सभी लोग को दिया जाएगा, सभी लोग के लिए आदेश कर दिया। आज भी बंधा टूटा है, हाँ, उनके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, कर रहे महाराज जी, अब दैविक आपदा है, जो यथासंभव है वो तो करेंगे ही। महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न का वितरण किया, कितने लोगों को दिया गया? देखिए, अभी कल 1700 पैकेट बांटे गए थे, अभी 2000 पैकेट भी हम लोग और भी आज लेके जा रहे हैं बांटने के लिए। अभी वहाँ पर 170 लोगों को बैठाया गया था, उतना किया गया है आदित्य पब्लिक स्कूल में। प्रयास देखिए, यहाँ गिनती नहीं है, कोई भी आदमी भूख से पीड़ित नहीं रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहें। जो लोग छूट गए उनके लिए क्या? नहीं, छूटा कौन नहीं, लगातार लेखपाल और ग्राम प्रधानों के माध्यम से सूची बना के तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें गिनती नहीं है। जो पीड़ित है सबको उपलब्ध कराया जाएगा।